रोहतक में मात्र 5 रुपए के लिए एक अध्यापक ने नामी कंपनी के स्टोर को झुका दिया। अध्यापक ने स्टोर संचालक पर मुकदमा कर दिया था। इसके बाद 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई और अब अध्यापक को न्याय मिला है। रिपोर्ट देखिए। आपने जमीन जायदाद की लंबी लंबी झगड़े तो सुने होंगे, लेकिन जो हम आपको मामला बताने जा रहे हैं उसे आप जानकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मामला रोहतक का है, जहाँ महज 5 रुपए के लिए एक अध्यापक ने 5 साल की लड़ाई लड़ी। अध्यापक ने नामी कंपनी के स्टोर को झुका दिया। दरअसल अध्यापक ललित कुमार ने स्टोर से लोटस रूट्स खरीदी थी, जिसका रेट 30 रुपए था, लेकिन ललित कुमार से 35 रुपए लिए गए। इसके बाद उनका दिमाग ऐसा सटका कि 5 रुपए के लिए 5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे। कई बार शिकायत करने पर समाधान ना होने के बाद अब पूरे 5 साल के बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। मैं सामान लेके आया तो घर में बच्चों ने बिल देखा तो उसमें MRP ज्यादा था, लिया था मुझसे 30 रुपए, उस पर प्रिंट था, लेकिन उन्होंने 35 रुपए मुझसे चार्ज कर लिया। मैंने जब ही स्टोर पे कॉल किया रात को 9 बजे के करीब, तो उनका जो फोन था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। 3-4 बार मैंने कॉल की, फिर मैं मॉर्निंग में खुद मैनेजर के पास गया, मिल के आया, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3-4 दिन तक ये बातें होती रही। मैं कहा कि भाई आप 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो मुझसे, 5 रुपए मेरे वापस दे दो, तो उन्होंने इग्नोर करते रहे। वो मैनेजर साहब ने भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर मैंने इनकी कंप्लेंट करी 2 महीने बाद वेट एंड मेजरमेंट में चंडीगढ़। वहाँ से टीम ने तुरंत 1-2 दिन बाद ये एक्शन लेते हुए यहाँ पर बिलिंग की जांच करी, तो बिलिंग में जो है फॉल्ट पाए गए और इनके ऊपर 30,000 रुपये जुर्माना ऑन स्पॉट लगा दिया और इन्होंने बाइक कैश जब भी पेमेंट कर दी थी इनकी। तो फिर उन ऐसे ही मोटिवेट हुआ मैं कि भाई कस्टमर के, जब मैं ही जागरूक नहीं होऊंगा तो और किसको करूंगा। फिर मैंने जागो ग्राहक जागो की साइड से कई डिसीजन पढ़े, उनसे जो है इंस्पायर होके मैंने फिर इनके खिलाफ जो है केस करने की सोची। ललित कुमार ने दिसंबर 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अधिवक्ता सतीश तंवर के माध्यम से केस दायर किया था। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद अब अपना फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिए कि 5 रुपए पर 9% ब्याज दर के साथ शिक्षक को दिया जाए। इसके साथ ही 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि मामला करीब 5 साल तक चला, जिसके बाद अब उन्हें न्याय मिला। बहरहाल कोर्ट ने स्टोर संचालक को आदेश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर ये रकम देनी होगी। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक।